भागदौड़ भरी इस जिंदगी में टेंशन होना आम बात है और ये टेंशन युवाओं से लेकर बुजुर्गों में भी देखी जाती है। जैसे जैसे हम तरक्की की ओर बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे डिप्रेशन का लेवल भी बढ़ता जाता है। ऐसे में ज्यादातर लोग मनोरंजन का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग छोटे पर्दे या बड़े पर्दे पर हमारा मनोरंजन करते हैं वो खुद किस स्थिति से जूझ रहे होते हैं। हाल फिलहाल में ही हमने कई ऐसे मामले सुने जिनमें कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने आत्महत्या कर ली। तो चलिए बात करते हैं इसी साल 3 फरवरी को हुई श्रीवास्तव चंद्रशेखर की मौत के बारे में। साल 2020 के बाद उम्मीद ये थी कि नया साल इस मामले में अच्छा साबित होने वाला है, लेकिन 3 जनवरी को जो खबर आई उसके बाद अब इस बात पर डाउट होने लगा है। दरअसल इस दिन साउथ के जाने माने एक्टर श्रीवास्तव चंद्रशेखर की आत्महत्या करने की खबर सामने आई थी। चंद्रशेखर का शव भी सुशांत सिंह राजपूत की ही तरह अपने घर पर फांसी के फंदे से झूलता मिला था। उन्होंने अपने घर पर बताया था कि वह शूटिंग पर जा रहे हैं। बता दें कि चंद्रशेखर एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ एक मॉडल भी रह चुके हैं। उन्होंने कई फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है। हम सभी जानते हैं कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने जीवन में काफी स्ट्रगल किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की, जिसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख किया और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। लेकिन इसी बीच वे तनाव से भी गुजर रहे थे। स्ट्रेस का लेवल इस स्तर तक पहुंचा कि उन्होंने 14 जून साल 2020 में आत्महत्या कर ली। सुशांत का शव उनके घर में पंखे से लटका मिला था। फिलहाल इस पूरे मामले की पड़ताल जारी है। बता दें कि सुशांत ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ पर बनी फिल्म MS धोनी से काफी नाम कमाया था और इनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा रही, जो इनकी मौत के बाद रिलीज हुई। अब बात करते हैं आसिफ बसरा की। आसिफ बसरा ने द फैमिली मैन और पाताल लोक जैसी जानी मानी वेब सीरीज में अपनी कला का नमूना पेश किया। 53 वर्ष की आयु में 12 नवंबर साल 2020 को आसिफ बसरा ने धर्मशाला के अपने एक निजी बंगले में सुसाइड कर ली थी। रिपोर्ट्स की माने तो वह पिछले 5 सालों से मैक्लोडगंज में किराए के मकान पर रह रहे थे। वहीं बात करें कुशल पंजाबी की तो उन्होंने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे पर भी काम किया। उन्होंने 20 से ज्यादा टीवी शोज किए और 5 से ज्यादा फिल्में की, लेकिन डिप्रेशन के चलते उन्होंने 26 दिसंबर साल 2019 में अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली। उनके करीबी दोस्त की माने तो वो पहले से ही डिप्रेशन का शिकार थे और यही वजह रही कि उन्होंने सुसाइड जैसा कदम उठाया। छोटे पर्दे पर चहेती बहू आनंदी का रोल निभाने वाली प्रत्युषा बैनर्जी ने कम समय में ही लोगों के दिलों में जगह बना ली। टीवी सीरियल बालिका वधू के जरिए उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, लेकिन उन्होंने इस दुनिया को बहुत जल्द ही अलविदा कह दिया। प्रत्युषा बैनर्जी ने 24 साल की उम्र में 1 अप्रैल साल 2016 को अपने घर में फांसी लगा ली, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। प्रत्युषा अपनी मौत से पहले ही डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी, जिसकी वजह उनके बॉयफ्रेंड को बताया जा रहा था। निशब्द, हाउसफुल और गजनी जैसी फिल्मों में काम कर चुकी जिया खान ने भी 3 जून साल 2013 में आत्महत्या की। जान देने से पहले जिया खान ने अपने बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली को डेडिकेट करते हुए एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने मन की बात लिखी। इस लेटर में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली द्वारा रेप होने से लेकर एबॉर्शन तक की बात कही और लिखा कि वह अंदर से टूट चुकी हैं। इस पर हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सूरज पंचोली ने कहा कि वह निर्दोष साबित होने तक गिल्टी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।